नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबकी अपनी डॉक्टर अर्चना जैन। चलिए जी, बात करते हैं हम लोग मार्च के महीने के बारे में। तो जानते हैं हम लोग जेमिनाइज के बारे में, मिथुन राशि के बारे में, क्या चल रहा है आपकी करंट लाइफ में, आपके जॉब, बिजनेस, आपके फाइनेंसेस कैसे हैं। जानते हैं स्टूडेंट्स के लिए जिनके एग्जाम्स चल रहे हैं, ठीक है, और जानेंगे आपकी लाइफ में और क्या होने वाला है, जानेंगे आपकी एडवाइस और आपकी हेल्थ और आपकी लव लाइफ के बारे में। क्या हो गया ऐसा कि सबको छोड़ने पे आमादा हो गए आप? किसी की बात बुरी लग जाती है, छोटी छोटी बात बुरी लग जाती है, इतनी बुरी लगनी नहीं चाहिए बात, बट लग गई। और बात इतनी बुरी लग गई कि ये फैसला कर लिया कि अब इस घर को छोड़ देंगे। घर कोई ऐसे थोड़ी बनते हैं, घर ईंटों का होता है, मकान ईंटों का होता है ना, घर तो सदस्य बनाते हैं। अगर आपने फैसला कर लिया कि आप घर छोड़ के चले जाओगे तो चलेगा नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। ये डिसीजन नहीं लेना, बिल्कुल नहीं लेना। जो कर्म आपने किए हैं उसका तो कुछ फल मिलेगा ना। 2024 शनि का टाइम चल रहा है, तो दिस इज द कर्मा साइकिल विच यू आर गेटिंग बैक। तो जो आपने किया वही तो आपको वापस मिल रहा है। तो अगर गलती करी है तो उसके लिए सॉरी बोल दो, अपॉलॉजी डाल दो, हो सकता है चीज़ें ठीक हो जाएं। लेकिन इस तरह से थोड़ी लाइफ चलती है कि आप घर ही छोड़ के चले जाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। देखो, अगर आपको लगता है कहीं जॉब करने के लिए आपको बाहर जाना है तो जाओ, लेकिन आप ये सोच रहे हो कि जॉब करने के उससे पर्पस से आप बाहर जाओगे और आप फैमिली वालों से दूर हो जाओगे, अपनी लाइफ को फ्रूटफुल बना लोगे, ऐसा नहीं हो सकता। कमाता है इंसान किसके लिए? अपने परिवार के लिए कमाता है ना। आप दुनिया में कहीं भी जाएं, विदेश जाएं, कहीं भी जाएं, किसी भी जगह पे जाएं, कमा के इंसान आता तो अपने घर पर ही है ना, माँ बाप के पास ही आता है, अपने भाई बहन के पास ही आता है, अपनी बीवी बच्चों के पास ही आता है। ये नेचुरल प्रोसेस है ना। तो आपको नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ों को सही तरीके से सुनेंगे समझेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। थोड़ा थोड़ा कभी कभी बड़ों की सुन लेनी चाहिए। हो सकता है आपकी बड़ी बहन, आपकी माँ आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रही हो और आपकी समझ में नहीं आ रहा। मे बी आपके पास दो ऑप्शन है, यहाँ का या बाहर का, जॉब का या बिजनेस का, कहीं की भी दो अपॉर्चुनिटी आपके पास है। अगर ऐसा कुछ है तो थोड़ा वक्त दे दीजिए और बैठ के डिसीजन ले लीजिए, डिस्कस कर लीजिए, सही रास्ता मिल जाएगा। शांति से घर बैठो, थोड़ा दिन दिमाग रखो शांत। जैसे ही शांत रखोगे चीज़ें आपके फेवर में ऑटोमेटिक आने लग जाएगी। देखो, एक छोटी सी बात है, लोहा जब गर्म होता है ना, आप हथौड़ा मारोगे तो वो उसी शेप में आ जाएगा, लेकिन जब लोहा ठंडा हो जाता है ना, आप जितनी बारी भी मारो तब उसमें सिर्फ आग ही निकलती है, पत्थर को कुछ नहीं होता, है ना, लोहे को कुछ नहीं होता। तो ऐसे ही आप बनो, जब आप ठंडे हो जाते हो ना तो बहुत मजबूत हो जाते हो, और जब आप गुस्सा करते हो ना तो आपको कोई भी कभी भी किसी भी तरह से मोल्ड कर सकता है। इसलिए बोलते हैं कभी भी कोई डिसीजन गुस्से में नहीं लेना चाहिए, ठीक है। उससे भी बड़ी बात, अगर आपकी पढ़ाई कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी मिसबैलेंस लग रही है, डिसबैलेंस लग रही है, और आपको लग रहा है कि अब आपके पास शायद ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, या फिर आपको लग रहा है कि जो ऑप्शन अवेलेबल है आपके लिए वो थोड़ा एक्सपेंसिव है, तो देखो, जब आपको किसी अच्छी जगह पे जाना है, किसी अच्छी जगह जॉब करनी है या अच्छी जगह पढ़ाई करनी है, हाई यूनिवर्सिटी लेवल पे जाना है, थोड़ा सा पैसा तो खर्च होता है ना। तो वो अगर आप इस डिसीजन को लोगे तो ही आप बाहर जा पाओगे। मैं देख रही हूँ कहीं ना कहीं पैसा भी स्टक हुआ है काफ़ी लॉन्ग टर्म से। आपका कोई, हो सकता है कोई कोर्ट केस चल रहा हो जिसमें आपका, जिससे जो रेजोनेट हो प्लीज़ वही लीजिएगा। अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है और वहाँ पे आपका पैसा अटक गया है तो बहुत बड़े चांसेस हैं कि आपका इस साल के अंदर अंदर वो पेमेंट आने का चांसेस है, ठीक है। उससे बड़ी बात, थोड़ा सा हेल्थ का अपना ख्याल रखिए, ओवर स्ट्रेस मत लीजिए, बहुत बर्डन आप ले चुके हों, बट अब आपको बर्डन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए जानते हैं आपके एडवाइस के बारे में। सही समय पे सही एक्शन लेने की ज़रूरत है, बस आपकी लाइफ में थोड़ी सी यही प्रॉब्लम चल रही है। 8th हाउस, कुछ मिस्ट्री है आपकी लाइफ में, अपनी उस मिस्ट्री को खुद ही सॉल्व करो, चीज़ों को सही तरीके से थोड़ा सा ना अपने आप को थोड़ा रिवॉर्ड दे दो हर चीज़ में, अपने आप को कर्स मत क्या करो, क्योंकि कुछ नया स्टार्ट होने वाला है। द लव बिगिंस, कुछ नया आ रहा है आपकी लाइफ में, है ना। चीज़ों को सही तरीके से समझोगे, शांत बैठ के सोचोगे तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं हम आपकी
लव लाइफ के बारे में, आपका पार्टनर आपको क्या कहना चाहता है, ठीक है, चलिए जानते हैं इस बारे में। आई मिस योर टच, ओ माई गॉड रियली, आई चेरिश आवर मेमोरीज। तो जितना भी अच्छा वक्त निकाला ना एक दूसरे के साथ, वो कहीं ना कहीं याद आता है। यू आर सो डैम ब्यूटिफुल, रियली आप बहुत ब्यूटिफुल हो क्या। आई गॉसिप अबाउट यू बिहाइंड योर बैक, ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया बात। यू आर आउट ऑफ माई लीग, मतलब क्या कर दिया ऐसे कि बंदा आपको अप्रोच नहीं कर सकता। फिर गुस्से में बोला जाता है आई हेट यू, क्योंकि पता है कि नहीं हो सकता। आई डंप यू, तो चीज़ें कहीं ना कहीं थोड़ी सी अप एंड डाउन चल रही है ना। आई एम यूजिंग यू, चलो यू टेक योर टाइम, क्योंकि बहुत डिफरेंट डिफरेंट मैसेजेस आए हैं, ठीक है। मिस भी किया जाता है और बोला जा रहा है गुस्से में आई हेट यू, तो यू आर आउट ऑफ माई लीग, आई डंप यू, देन यू आर सो ब्यूटिफुल, ठीक है। आपकी कमर के पीछे बातें भी हो रही हैं, माई गुडनेस। चलो कोई नहीं, जानते हैं आपके लव कार्ड्स क्या बोलते हैं आपके बारे में। रिलीज योर एक्स, कोई एक्स है आपकी लाइफ में उसको रिलीज कर दीजिए, तभी लाइफ में कोई नया आ सकता है। और फाइनेंसिस और करियर में अगर आपने बहुत समय लगा दिया है और जिसकी वजह से आप अपनी लव लाइफ को थोड़ा निग्लेक्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए और आपकी जो फैमिली इश्यूज़ हैं उनको हील अप कर दीजिए। किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है आपके अंदर आपके पार्टनर को लेके, तो रिकंसिलेशन करने की ज़रूरत है, जल्दी से कर लीजिएगा, क्योंकि वेरी सून का एक कार्ड आया है, ज़्यादा डिले करने की ज़रूरत नहीं है, कई बार हाथ से निकल जाता है क्योंकि गुस्सा भी बहुत भरा हुआ है। यू आर माई सोलमेट, तो आपका पार्टनर कह रहा है यू आर द सोलमेट, तो जब जो जिसमें एक जान की बात होती है, तो गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, एक चांस और दे दो, ठीक है। या तो एंगेजमेंट हो गई भाई, तो जिनकी भी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है, थोड़ा सा कीप एन ओपन माइंड, चीज़ों को बेटर करो। और जितने भी अनरिक्वायर्ड लव के लोग हैं ना, जो एक्चुअली आपके लव को डिजर्व नहीं करते, उनको अपनी लाइफ से बाय बाय कर दो, ठीक है। चलिए मिलती हूँ बहुत जल्द अपनी नई वीडियोस के साथ। उसके अलावा फिर भी आपको कहीं मेरी ज़रूरत हो तो नीचे दिए हुए नंबर पे ओनली व्हाट्सएप मैसेजेस टू फिक्स योर अपॉइंटमेंट, पर्सनल रीडिंग कभी भी फ्री नहीं होती। नीचे कमेंट करना ना भूलिएगा एंड फॉलो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, ठीक है। मिलती हूँ बहुत जल्द अपनी नई वीडियोस के साथ। मैं आप सबकी अपनी डॉक्टर अर्चना जैन, ढेर सारा प्यार और आभार।